नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह यादव, एनआई न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज हम दिल्ली के तिलंगपुर कोटला में खड़े हैं, जहां हमारे एसआरपीबी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन श्री पवन वर्मा जी है। स्वागत है सर हमारे साथ। नमस्कार। तो सर ये बताएं, जो आप जो ये ट्रस्ट खोल रखे हैं, इसमें क्या क्या सेवा प्रदान करते हैं इस ट्रस्ट के माध्यम से? हम इस ट्रस्ट के माध्यम से 8 साल से जल सेवा, निःशुल्क जल सेवा दिल्ली में 4 जगह देते हैं, नांगलोई, नजफगढ़, तिलंगपुर कोटला और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन। हर साल इसका बहुत बड़ा भंडारा लगता है और मतलब 5,000 आदमी कम से कम खाना खाते हैं, और 3 महीने के लिए मई जून जुलाई 3 महीने के लिए हम जल सेवा करते हैं फ्री सेवा। तो सर ये कितने दिनों से आप ये सेवा करते आ रहे हैं? तकरीबन 8 साल से ये सेवा करते आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, इस ट्रस्ट के चेयरमैन भी है आप, मतलब इस तरह की खुशी मिल रही, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कई हजारों आदमी डेली पानी पी के जाते हैं, कम से कम हमारा 6 या 7 हजार लीटर पानी डेली ठंडा करके हम लगाते हैं, और पिछले साल तो मैंने अपना एक आरओ सिस्टम भी लगवा दिया, और अब की बार भी हम ये सोच रहे हैं कि 1 लाख आदमी तक का इंतजाम हमारे पास पानी का रहेगा, और 1 लाख आदमियों को हम सेवा देंगे, जल सेवा देंगे। आदमियों से हम मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, कि जो कि इस ट्रस्ट में सहयोग करते हैं, अब सहयोग करने लगे हैं और धीरे धीरे आदमी और जाते हैं। कुछ दिनों में हम शमशान घाटों में पानी का इंतजाम करेंगे, जहाँ भी शमशान घाट है किसी में पानी का कोई इंतजाम नहीं है। कुछ मेरे यार दोस्त हैं जिन्होंने अभी कहा है कि शमशान घाटों में जितना भी पानी का इंतजाम होगा आप हमारे सहयोग से करो। सर कल 26 जनवरी है, तो आप इस चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी देशवासियों को 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का सबको हार्दिक बधाई। के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए।